नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक लेटेस्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट से संबंधित। जी हां, UPPSC के द्वारा आर्किटेक्चरल कम प्लानिंग असिस्टेंट के पदों के लिए नई भर्ती नोटिफिकेशन 2024 के अंतर्गत जारी कर दिया गया है। वीडियो के दौरान पदों से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, अंतिम तिथि क्या होगी, ये संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आपको जाना है या फिर व्हाट्स न्यू वाले ऑप्शन में आपको संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिसे यहाँ हमने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ स्थापत्य एवं नियोजन सहायक परीक्षा 2024 ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 3 दिसंबर से। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 जनवरी 2025 तक। तो ऑनलाइन आवेदन में सुधार और संशोधन शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि है 8 जनवरी 2025 तक। इस विज्ञापन का विज्ञापन संख्या है A8/E1/2024। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिन कैंडिडेटों ने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, वो OTR प्राप्त करने के 72 घंटे के पहले आयोग की वेबसाइट पर OTR नंबर प्राप्त कर लें। OTR प्राप्त करने के बाद वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन को कंप्लीट किया जा सकता है। साथ ही आवेदन करते समय सभी चरणों जैसे OTR, फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन, त्रुटि इत्यादि की सभी सूचनाएं सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी के रूप में अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें फ्यूचर में उन्हें प्रयोग करने के लिए। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी कोई भी हार्ड कॉपी आयोग के एड्रेस पर नहीं भेजी जानी चाहिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो एक्टिव कंडीशन में हो और ईमेल आईडी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सभी जो रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारियां हैं वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से ही आप तक आयोग द्वारा भेजी जाएंगी। दोस्तों, आर्किटेक्चरल कम प्लानिंग असिस्टेंट के पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं रखी गई हैं, आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कला में डिप्लोमा प्राप्त किया हो या महाराष्ट्र सरकार से स्थापत्य कला में इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, त्रिवार्षिक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम या 4 वर्षीय अंशकालिक पाठ्यक्रम के पश्चात 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आवेदक ने लिया होना चाहिए, या फिर राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य के स्थापत्य सहायकत्व में डिप्लोमा 3 वर्ष का पूर्णकालिक या फिर उसके पश्चात 4 वर्ष का एक्सपीरियंस आवेदक ने संबंधित क्षेत्र में हासिल किया होना चाहिए। व्यवहारिक अनुभव प्रमाण पत्र काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की वेबसाइट पर पंजीकृत आर्किटेक्ट के पंजीकरण की वैधता पोर्टल की ऑनलाइन डायरेक्टरी ऑफ आर्किटेक्चर सर्विस के माध्यम से जांची जा सकती है। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। अधिमानी अर्हता हैं उन कैंडिडेट को प्रिफ्रेंस दी जाएगी जिन्होंने प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा की है या जिनके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का बी प्रमाण पत्र है। आपको ध्यान रखना है, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपके पास में फिजिकल मोड में उपस्थित होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो इन पदों के लिए आवेदन ना करें या इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर कम से कम 21 साल रखी गई है
और अधिकतम 40 साल यहाँ आयु सीमा होनी चाहिए। यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1984 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी SC ST को 3-5 साल, OBC NCL को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पहले एक प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा को सफल कर लेंगे या पास कर लेंगे, उनको मुख्य लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सामान्य अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के बाहर के परीक्षार्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो ₹200 है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹25, मिलाकर ₹225 फीस पेमेंट करनी होगी, जबकि उत्तर प्रदेश के SC ST को ₹80, साथ ही ₹25 प्रोसेसिंग चार्ज, कुल मिलाकर ₹105 देने होंगे, जबकि दिव्यांगजनों को जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं ₹25 केवल ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज ही उन्हें देने होंगे। उत्तर प्रदेश के सेना के भूतपूर्व सैनिकों के लिए ₹105 टोटल फीस ऑनलाइन मोड में जमा करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। साथ ही आपको ध्यान रखना है, एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या यहाँ पर कुल पद हैं 3। अनारक्षित के कैंडिडेट के लिए ही ये पद रखे गए हैं, केवल अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए हैं। वैसे इन पदों पर सभी वर्गों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये पद जो हैं समूह ग, राजपत्रित हैं। वेतनमान जो होगा सातवें वेतन आयोग के ग्रेड पे 4600 के अकॉर्डिंग इन पर वेतनमान फिक्स किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करना है। सबसे पहले डिटेल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है और उसके बाद अप्लाई वाले बटन पर जाना होगा। व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हुए आपको जाना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ऑथेंटिकेट विद OTR पर आपको जाना होगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन एकल अवसर या पंजीकरण OTR वाला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे OTR के लिए एप्लीकेंट का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का नाम, जेंडर, कैटेगरी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट का डोमिसाइल स्टेट, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होंगी। उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं दूसरे स्टेप में। और ये कर लेने के बाद में एप्लीकेंट का जो आधार नंबर है वो देना है, उसके लास्ट की 6 डिजिट। एप्लीकेंट की पर्सनल डिटेल यहाँ पर देनी होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ये सभी चीज़ें आपको कर लेनी है। और जो कैप्चा दिया गया उसको यहाँ पर डालने के बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद में आपको लॉगिन वाले बटन पर जाना होगा। लॉगिन के लिए यहाँ आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, जैसे आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, OTP उस पर भेजा जाएगा, या फिर ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, OTP उस पर भेजा जाएगा, या OTR नंबर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको दिया गया है उसका इस्तेमाल यहाँ लॉगिन के लिए कर सकते हैं। और जो कैप्चा दिया गया उसको यहाँ डाल देना है, लॉगिन कर लेना है। और डिटेल्ड में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए आर्किटेक्चरल प्लानिंग असिस्टेंट के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर देना है। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 जनवरी 2025 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी काम की भी साबित होगी। कमेंट में हमें ज़रूर लिख भेजें आपकी जो भी सजेशंस हैं, वीडियोज में हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।